एप्पल का नोटिस आता है, मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है। क्यों, उसमें लिखा गया था कि आप एक स्टेट स्पॉन्सर अटैक का शिकार हो सकते हैं। अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है। जब बात सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी जैसे घटक दलों से ना मिले, तो फिर अपने फेवरेट पास टाइम, अपनी पुरानी गंदी लत जो जासूसी की है, उस पर उतर आते हैं लोग। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूँ आपको, उठा के ले लो। This video presented by Alsharay College Gulbarga. Admission are open for long term NEET exam for repeaters batch from 10th July. Expecting 20 plus free MBBS seats. NEET rank enhancement special program based on NEET marks. For more details contact Alsharay Group of Institute. Narendra Modi ji ki atma Adani mein hai. Tota kahin baitha hai, raja kahin baitha hai, aur bahut samay ke liye sari ki sari opposition raja pe attack kar rahi thi. Magar asliyat ye hai ki raja hi nahi hai. Power kisi aur ke hath mein hai, Adani ji ke hath mein hai. जैसे ही हम अदानी जी को टच करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्नूपिंग, सीबीआई, मैं पहले सोचता था नंबर वन प्राइम मिनिस्टर, नंबर टू अदानी, नंबर थ्री अमित शाह। एक्चुअली ये गलत है, नंबर वन अदानी, नंबर टू प्राइम मिनिस्टर, नंबर थ्री अमित शाह। अभी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हमें समझ आ गई है और अदानी जी बच के नहीं निकल सकते, क्योंकि अदानी जी को हमने ऐसे घेरा है, तोते को हमने ऐसा पकड़ा है कि वो बच के नहीं निकल सकते। और इसीलिए सारा का सारा हो रहा है डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स, कि देश की निगाह, ऑपोजिशन की निगाह पिंजरे में बैठा हुआ तोते की ओर ना चले जाए। पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहाँ पे एप्पल का नोटिस आता है, मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है, देखिए अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट। इसमें लिखा है, एप्पल बिलीव्स यू आर बींग टारगेटेड बाई स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID. अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टी एस सिंहदेव, लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। अदानी जी को हिंदुस्तान के पोर्ट्स पकड़ा दिए, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स पकड़ा दिए, मुंबई एयरपोर्ट चाहिए था, सीबीआई ईडी का प्रयोग किया, मुंबई एयरपोर्ट दे दिया, एग्रीकल्चर में कानून बना दिए अदानी जी के लिए, फूड ग्रेन्स की स्टोरेज उनके हाथ में, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके हाथ में, आप सड़कों पे चलते हो, सीमेंट उनके हाथ पे, उनके हाथ में, तो पूरा का पूरा देश ये तीन चार लोगों को पकड़ा रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? हिंदुस्तान के युवा का हो रहा है। अगर इस देश में, इस देश की जनता को, इस देश के युवाओं को न्याय ना मिले तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और मैंने बहुत बार बोला है और मैं बोलता रहूंगा और मैं हम ये काम करके दिखा देंगे कि कास्ट सेंसस के बिना इस देश के युवाओं को न्याय नहीं मिल सकता। मगर हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूँ आपको, उठा के ले लो। जब बात सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी जैसे घटक दलों से ना मिले, तो फिर अपने फेवरेट पास टाइम, अपनी पुरानी गंदी लत जो जासूसी की है, उस पर उतर आते हैं लोग। कल रात को करीब 12 बजे मेरे पास एक मैसेज आया एप्पल से, एप्पल का नोटिफिकेशन, थ्रेट नोटिफिकेशन उसको कहते हैं, मैं आप आईफोन यूज करती हूँ, और उसमें लिखा गया था कि आप एक स्टेट स्पॉन्सर अटैक का शिकार हो सकते हैं। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, अपने कुछ जानने वालों को भेजा कि क्या आपके पास भी आया है, वहां से कोई ठोस ऐसा जवाब नहीं आया, तो मुझे लगा चलो ठीक है सुबह देखेंगे। जब सुबह सोकर उठा तो पता चला कि ऐसा लगा सब मुझे विपक्ष के साथ ही ये हुआ, बहुत सारे सांसदों के साथ, मेरे बहुत सारे सीनियर कोलीग्स के साथ कांग्रेस पार्टी में। और ये जो थ्रेट नोटिफिकेशन है, ये तब होता है जब स्टेट स्पॉन्सर, जब सरकारें आपके फोन के साथ हेरा फेरी, छेड़छाड़, उसमें जासूसी का सॉफ्टवेयर घुसेड़ने की कोशिश करती हैं। तो ये थ्रेट नोटिफिकेशन एक एप्पल से आया था। पहले तो सरकार का सूंपटक सन्नाटा हमेशा की तरह रहा और सूत्रों के माध्यम से, खर्रे के माध्यम से खबरें चलने लगी कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर एप्पल का एक स्टेटमेंट आया और सरकार वो खर्रा दिखा दिखा कर बात करने लगी। उस एप्पल के स्टेटमेंट में यह था कि हम स्पेसिफिक तौर पर यह नहीं कह सकते हैं कि कौन सा स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर है, लेकिन हम ये तफ्तीश करके बता सकते हैं आपको कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक होते हैं उसमें बहुत पैसा लगता है, बहुत रिसोर्सेज होते हैं, वो बहुत बहुत एडवांस होते हैं, और उनको बता पाना, उनको पकड़ पाना बहुत बार मुश्किल होता है।
कई बार ये जो थ्रेट नोटिफिकेशंस होते हैं ये फॉल्स नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। बस इसी को लेकर चरण चुंबक मीडिया, क्योंकि खर्रे पर आ गया था कि ये चलाना है, उड़ पड़ा। ये जो एप्पल का स्टेटमेंट है ये एप्पल की वेबसाइट पर अगस्त 2023 से पड़ा हुआ है। अगर देखने और सोचने की थोड़ी शक्ति होती इन लोगों में तो ये अगस्त 2023 से पड़ा है। हमारे सबके पास थ्रेट नोटिफिकेशन आने के बाद कोई एप्पल ने अपनी नई पोजीशन या तफ्तीश करके नहीं बताई है। असल में तो एप्पल एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसने दारमोदार और ठीकरा सरकार के सिर पर फोड़ा है कि आप पता कीजिए कि ये कहां से हो रहा है। जो सरकार कहती है और सरकार की थेथराई आप देख लीजिए। सरकार ने ये बीड़ा उन्हीं लोगों के ऊपर डाल दिया जिन्होंने बताया कि हमारे पास ये नोटिफिकेशंस आए, हम सब ने तो स्क्रीनशॉट लगा दिए थे। तो सरकार की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेंगी, हम ही बताएं कि हमारे पास ये नोटिफिकेशन आया, हम ही प्रूफ करें, हम ही अपना फोन आए, हम सब कुछ करें, सरकार कुछ नहीं करेगी। अश्विनी वैष्णव जी, आपको तो थोड़ी बोलने से पहले शर्म आनी चाहिए। आप तो वही रेल मंत्री हैं जो जब लाशों का तांता लग जाता है तो कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए। अब जब पता चल रहा है कि इस तरह के स्पाइवेयर फोन्स में आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं। असलियत यह है कि ये जो सिलेक्शन पूल है लोगों का जिनके पास ये आए, ये अधिकांश विपक्ष के ही नेता है। ये आदत पुरानी है, याद होगा 2019 में पेगासस स्पाइवेयर के बारे में पता चला था। पहले वो एक्टिविस्ट के खिलाफ था, फिर वो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ, अपने ही कुछ नेताओं के खिलाफ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ, चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, कई ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ जासूसी की जा रही थी। इस सरकार ने, मोदी सरकार ने आज तक कोर्ट में साफ तौर से ये कभी नहीं कहा कि हमने पेगासस का इस्तेमाल नहीं किया। अब दूसरी बात करते हैं, इन्होंने नहीं कहा, टेक्निकल कमिटी ने भी चुपचाप चुप्पी बनाए रखी, लेकिन साइबर सिटीजन लैब जो है, जो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, और एमनेस्टी जो इंटरनेशनल एजेंसी है, और जो व्हाट्सएप का कोरोबोरेशन डेटा आ रहा है, उसने तो 7 फोनों की तफ्तीश करी थी हिंदुस्तान से, और उसमें साफ तौर से आया था कि इसमें मैलवेयर, इसमें पेगासस के अवशेष पाए जाते हैं। सरकार ने फिर भी नहीं कहा था साफ तौर से कि हमने नहीं यूज किया, डिनायल ही दे देते, लेकिन वो डिनायल भी नहीं आया। अब बात करते हैं कि क्या वाकई एप्पल का फॉल्स नेगेटिव था। ये जो थ्रेट नोटिफिकेशन आया है ये पिछले महीने ही रशिया के 3 लोगों के पास गया था, जिसमें से 2 पत्रकार थे, और तब इसकी पुष्टि हुई थी कि वो सही बात थी, उनके फोन के साथ छेड़छाड़ हो रही थी, सरकार उनके फोन के साथ जासूसी कर रही थी, यही थ्रेट नोटिफिकेशन था। फाइनेंशियल टाइम्स ने मार्च 2023 में एक खबर की थी, और उस खबर में कहा था कि भारत सरकार ने बड़े बड़े टेंडर फ्लोट किए हैं जासूसी का सॉफ्टवेयर और स्पाईवेयर खरीदने के लिए। उनकी शुरुआत 133 करोड़ से होती है और वह 10,000 करोड़ तक जाते हैं। तो भाई भारत सरकार के लिए ये खरीदना प्राथमिकता क्यों है, वो क्यों खरीद रही है, और ये खरीदकर अपने ही नागरिकों की, विपक्षी सांसदों की, विपक्षी नेताओं की जासूसी क्यों की जा रही है। तो ये सब देखते हुए मेरे पास 2 या 4 सवाल है सरकार के लिए। पहला सवाल तो यह है कि कैबिनेट सेक्रेटरी, जिसके अंडर इंटेलिजेंस एजेंसीज आती हैं, वो साफ तौर से या तो आकर इसका कंफर्मेशन दे या डिनायल दे। सरकार ये क्यों नहीं बता रही है कि क्या इन्होंने स्पाईवेयर यूज किया है या नहीं किया है, ये पहला बात है। अगर किया है तो किस लॉ, किस कानून के तत्वावधान में किया है, क्योंकि असलियत यह है कि अब राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, तो किस कानून के प्रावधान के तहत इन्होंने इसको इस्तेमाल किया है। तीसरी बड़ी बात यह है कि सरकार एप्पल के स्टेटमेंट के पीछे क्यों छुप रही है। वो तो प्री एग्जिस्टिंग, पहले से ही लिखा हुआ एक स्टेटमेंट उनके वेबसाइट पे पड़ा हुआ था 2023 अगस्त से। अब जो खबरें सामने आ रही है उसके बारे में सरकार क्या कहेगी, सरकार की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी हैं, और फिर से एक बार पीड़ित के ऊपर ये दारमोदार क्यों ठहरा दिया गया कि आप ही बताइए आपके साथ किसने जासूसी करी, और ये काम तो करना आपका है ना, सरकार तो आप चला रहे हैं। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि सरकार जब जब डरती है, और जब जब सरकार को अपनी हार नजर आती है, और जब जब राजा के तोते में जिसमें उसकी जान बसी है उस पर शिकंजा और कसता है, राजा बौखलाकर इस तरह के काम करता है। ये सब डिस्ट्रैक्शन के टूल्स हैं, ये सब डिसेप्शन के टूल्स हैं, ये सब जासूसी के टूल्स हैं, और ये सब इसलिए हैं जिससे कि जो भी अडानी के खिलाफ बोल रहा है उसकी तफ्तीश होती रहे, उसकी जासूसी होती रहे। लेकिन इससे ना हम डरने वाले हैं ना घबराने वाले, घबराए हुए आप हैं, बौखलाए हुए आप हैं, क्योंकि राज्यों की हार भी आपको नजर आ रही है,
और जहां आपकी जान बसती है उस तोते की गर्दन भी हमारे शिकंजे में है, वो भी आपको नजर आ रही है। तो कोई बात नहीं, आप जासूसी करते रहिए, ये लत बड़ी पुरानी है आपकी, गंदी आदतें छोड़ देनी चाहिए, नहीं छोड़ पा रहे। लेकिन ये देश जानना चाहता है कि ये हमारे पैसे से सुरक्षा के लिए अगर आप ले रहे हैं तो एक बात है, लेकिन ये तो आप अपने ही लोगों की जासूसी के लिए ये काम कर रहे हैं, ये गलत है, ऐसा किया नहीं जाता है। लेकिन आपकी बीमारी पुरानी है, उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। This video presented by Alshare College Gulbarga. Admission are open for long term NEET exam for repeaters batch from 10th July. Expecting 20 plus free MBBS seats. NEET rank enhancement special program based on NEET marks. For more details contact Alshare Group of Institute.